मैं तुम्हें दोबारा कब फोन करूं? मैं अपनी समस्या किसको बताऊं? मैं तुमसे कैसे कहूं? इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं शुड। बेसिकली शुड का इस्तेमाल इस सेंटेंस के लिए, ये इन सभी सेंटेंसेस के लिए हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर हम अपनी हेल्पलेसनेस को दिखाते हैं, यानी अब आप थक चुके हैं, अब आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप अब कह रहे हैं कि यार अब मैं कैसे कहूं। आपने सारी तरकीब लगा दी, अब कह रहे हैं सर अब मैं बताओ कैसे करूं इसको, यानी अब आप बिल्कुल लाचार हो चुके हैं, अब नहीं कर पा रहे। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे इंग्लिश में करेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश में करने के लिए आपको शुरू करना है डब्ल्यू एच वर्ड के बाद आप लगाएंगे शुड के बाद आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा वर्ब की बेस फॉर्म, और देन अगर ऑब्जेक्ट है तो होगा, और उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। बेसिकली ये क्वेश्चंस ना होकर के कभी कभी स्टेटमेंट के जैसा भी आप बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं किससे बात करूं, इट मींस आई हैव टॉक्ड ईच एंड एवरी वन इन द ऑफिस। अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, किससे बात करूं। अब ये सेंटेंस आ रहा है, मैं किससे बात करूं, किससे के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डब्ल्यू एच वर्ड हूम, फिर लिखेंगे शुड आई, हुम शुड आई टॉक। अब चाहे तो टॉक के साथ टू जरूर लिख दे, थोड़ा सा सुनने में सेंटेंस अच्छा लगेगा। हुम शुड आई टॉक टू, मैं किससे बात करूं, मैं किसको बताऊं, हुम शुड आई टेल, टेल मींस बताना। अब मैं क्या करूं, बताइए अब मैं क्या करूं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर आ भी रहे जा भी रहे बट ग्रो नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूं। मैं आपके लिए वीडियो भी लेकर के आ रहा हूं, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा ना आपसे थक गया हूं, बट ये नहीं कहूंगा कि मैं थका हूं, मैं बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक किस्म का आदमी हूं, ठीक है, लगातार लगा रहूंगा आपके लिए, वीडियो आते रहेंगे, लाइव क्लासेस का भी मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, जल्दी लाइव क्लासेस भी शुरू होगी। तो बट फिर भी मैं कह रहा हूं अब मैं क्या करूं, शुरू करेंगे डब्ल्यू एच वर्ड यहां पर है व्हाट, व्हाट शुड आई डू, मैं अपनी समस्या कैसे बताऊं। बताइए हर जगह हम अपनी समस्या बताते रहे, आप लोग हमारे हैं, आप लोग हमारे फैमिली है, तो आपसे बता रहे हैं कि हमारी सब्सक्राइबर बढ़ाइए, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। मैं अपनी समस्या कैसे बताऊं, बट मैं बता रहा हूं, कैसे कहेंगे इसको इंग्लिश में, हाउ शुड आई टेल माई प्रॉब्लम, हाउ शुड आई टेल माई प्रॉब्लम। एक लाइक और दिला दी मैंने, चलिए क्वेश्चन मार्क, मैं आपको दोबारा कब फोन करूं, वेन शुड आई, वेन शुड आई कॉल यू अगेन, मैं दोबारा कब फोन करूं, मैं उसे कैसे बताऊं, हाउ शुड आई टेल हिम या हर, उसे के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, हिम और हर। मैं किस पर विश्वास करूं, मैंने सब पे विश्वास किया और सबने मुझे धोखा दिया है, अब आप कह रहे हैं मैं किस पर विश्वास करूं, होम शुड आई काउंट ऑन। अब आप ट्रस्ट यूज ना करिए, आप यूज करिए काउंट ऑन, इसका मतलब भी होता है विश्वास करना। मैं आपको पैसे क्यों दूं, आप इसके लिए शुरू करेंगे व्हाई, शुड आई गिव यू मनी, व्हाई शुड आई गिव यू मनी, मैं आपको पैसे क्यों दूं, मैं दोबारा कब आऊं, व्हेन शुड आई कम अगेन। आई होप कि ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आया कि आप सेंटेंस को ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे करेंगे। चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट मैं हमेशा कहता हूं कि आप लिखने की आदत डालिए, इफ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश ट्राई टू राइट डाउन, लिखने की आदत डालिए।
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।